मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज दोस्तों मुझे सपोर्ट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, अनीता आज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से मिनी समोसा। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। मिनी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा गूंथ के तैयार करेंगे। मैदा गूंथने से पहले हम डालेंगे थोड़े से अजवाइन, इसे क्रश करके डालेंगे और डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसमें डाल लेंगे रिफाइंड ऑयल या आप घी भी ले सकते हैं। तो रिफाइंड ऑयल एक अंदाजे से डाल लेंगे और मिक्स करने के बाद अगर जरूरत होगा तो फिर हम और ले लेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदा में ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और एकदम बंधा बंधा सा दिख रहा है, इसका मुट्ठी बांध कर देखेंगे तो इस तरह से मुट्ठी बंध जाएगा, बस इतना ही मोयन लगेगा। और अब हम इसका डो तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा लेंगे, बहुत ज्यादा एक बार में नहीं डालेंगे नहीं तो गीला हो जाएगा। और जैसा हम रोटी बनाते हैं ना, बस वैसा ही आटा मैदा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। मैदा अच्छे से गूंथ लिए हैं, एकदम सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं और बहुत टाइट भी नहीं। अब हम इसमें हल्का सा ऑयल लगा देंगे, ऊपर से हाथ में ले लेंगे और इसे हम एक बार फिर से चिकना कर लेंगे और इसे रख लेंगे रेस्ट पे। और जब तक मैदा हमारा रेस्ट करेगा तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, उसे गरम कर लेंगे और आंच हम एकदम लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, एक चम्मच डालेंगे खड़ा धनिया, एक चम्मच सौंफ और एक चम्मच से कम खड़ा जीरा। अब इसे भुनेंगे खुशबू आने तक, फ्लेम हम लो ही रखेंगे। हल्का भुन गया है, अब हम यहीं पे डाल देंगे दो बड़े चम्मच तिल, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा समोसे में। तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे और डाल देंगे चार लाल मिर्च और इसे भी भूनेंगे। मसाले से बहुत अच्छा खुशबू आने लगा है और तिल गुलाबी गुलाबी दिखने लगा है। मसाले भून गए हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। इस स्टफिंग में हम मूंग का मिक्सचर ले रहे हैं, आप इसके जगह पे कोई भी नमकीन ले सकते हैं, आलू का भुजिया ले सकते हैं, बेसन का सेव भी ले सकते हैं या दालमोट ले सकते हैं या कोई भी नमकीन दालमोट मिक्सचर कुछ भी ले सकते हैं। अब हम इसे एक जार में डाल लेंगे। और ये हैं ड्राई मसाले, खड़े मसाले जो धनिया वगैरह हम भून के रखे हैं, ये ठंडा हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे इसे भी। एक चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर, इसके जगह पे आप इमली का पल्प ले सकते हैं। और डालेंगे एकदम दो तीन पिंच हल्दी, इससे कलर बहुत सुंदर आ जाएगा स्टफिंग में। अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे, मिक्सचर दरदरा पीस लिए हैं और इसे एक बर्तन में निकाल लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे दो चम्मच, दो तीन चम्मच कटे हुए किशमिश और डालेंगे दो चम्मच टोमेटो केचप, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप टोमेटो केचप नहीं डालना चाह रहे हैं तो इसके जगह पे इमली का पल्प डाल लें और उस फिर एक चम्मच चीनी डाल लें खट्टा मीठा टेस्ट के लिए। टोमेटो केचप पहले से मीठा है इसलिए हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग तैयार है, अब चलिए बनाते हैं मिनी समोसा। लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे एक बार अच्छी तरह से एक बार और मिला लेते हैं। अब इससे हम छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे, छोटा छोटा समोसा बनाना है तो लोई भी हम छोटा ही छोटा तोड़ेंगे।
सारे लोई तोड़कर उसका पेड़ा बना लिए हैं। अब हम इसे बेलेंगे। एक लोई लेंगे और इसे इस तरह से लंबाई में बेलेंगे, ना बहुत मोटा रखेंगे और ना बहुत ज्यादा पतला। जैसा हम समोसा के लिए बनाते हैं पट्टी, बस वैसा ही बेल के इसे तैयार कर लेंगे। बेल लिए हैं, अब इसे हम बीच से काट लेंगे। पट्टी हम बेल लिए हैं, अब चलिए इसका हम समोसा तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से इसे उठा लेंगे और यहाँ पे हम पानी लगाएंगे। इस तरीके से पानी लगा के इस तरह से एक के ऊपर एक करके इसे चिपका लेना है। और यहाँ पे जो किनारा है ना, इस पे बस अच्छे से ध्यान देना है, यहाँ से फटना नहीं चाहिए। इसे अच्छे से इस तरीके से करके चिपका देंगे। अब इसमें स्टफिंग ले लेंगे, जितना इसमें आ जाए इसे अच्छे से भर लेंगे। और फिर इसके ऊपर हम पानी लगा लेंगे ताकि फ्राई करते समय ये फटे नहीं। और यहाँ पीछे साइड से एक हम इस तरीके से प्लेट डाल देंगे और इस तरीके से यहाँ पे चिपका देंगे। ये बनके तैयार हो गया समोसा, मिनी समोसा। और इसी तरीके से हम सारे समोसे भर लेंगे। सारे समोसे हम भर के तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें हम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही खुले में छोड़ देंगे। उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। पर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये हम बाद में बताएंगे। समोसा रखे 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। समोसा फ्राई करने के लिए एक कड़ाही में हम रिफाइंड ऑयल लेंगे और एकदम हल्का गर्म होने देंगे और फ्लेम हम एकदम लो रखेंगे। अब इसमें हम समोसे डालेंगे। एकदम हल्का हल्का बबल्स आ रहे हैं। अब इतना ही तेज आंच में, इतना ही कम आंच में समोसा हम फ्राई करेंगे। समोसे तेल में डाल दिए हैं, अब इसे हम धीरे धीरे आंच में फ्राई होने देंगे। 2-3 मिनट बाद समोसे तैर कर तेल के ऊपर आ गए हैं, अब हम इन्हें पलट देंगे। और धीमे धीमे आंच में एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है लेकिन बनता बहुत टेस्टी है, तो आप भी इस तरीके से जरूर बनाएं दोस्तों। और इस बार दीपावली पे ये नमकीन जरूर बनाएं। बस बीच बीच में पलटते रहें। समोसा एकदम गोल्डन और एकदम क्रिस्पी हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरीके से तेल निकाल देंगे, सारा तेल गर जाएगा और इसे हम इस तरीके से निकाल देंगे। और इसी तरीके से बचे हुए समोसे हम फ्राई कर लेंगे। सारे समोसे फ्राई हो गए हैं और ये देखिए दोस्तों समोसा, इसमें बबल्स नहीं आए हैं, बहुत कम बबल्स हैं। तो स्टफिंग के बाद 20 मिनट रखने के बाद जब फ्राई करेंगे ना तो बबल्स इसमें नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप भी जरूर बनाएं, एकदम क्रिस्पी और एकदम टेस्टी बना है। देखिए दोस्तों एकदम खास्ता बना है। इस तरीके से आप भी बनाएं। और अगर मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करें और कमेंट भी करके जरूर बताएं दोस्तों कि आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा।